फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप लोग यदि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं देखेंगे, स्किप करके नहीं देखिएगा, प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा। इसके बाद आपको समझ में आएगी कि क्या सही है या क्या गलत है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्लॉग, और यदि अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर पूजा कर रहे थे, पूजा हो चुकी थी ऐसे, और ठंडी के मौसम है जिस वजह से फूल जो है बहुत कम फूटता है, बहुत कम, ना के बराबर। यहाँ मेरा पूजा हो गई थी और हम नीचे आए थे थाली प्लेट लेके पूजा करने के लिए। तो हम जैसे ही दरवाज़ा खोलें उसी तरह हम मंकी को देखें, मतलब मंकी आता है ना यहीं पे बैठता है, और हमको बाहर जाना था शनि महाराज के पास जल ढारने के लिए, इसीलिए हम प्लेट लेके नीचे आए थे, पर इधर से तो जा नहीं पाएंगे। हम लोग का दो दरवाजा है और दो मंकी भी आया हुआ था, हमको डर लगता था कि इधर से जाएंगे कुछ कर लेगा, उधर से जाएंगे कुछ कर लेगा। इधर से नहीं हुआ ना, फिर हम इधर से घूम के गए, फिर नहीं हुआ तो फिर मतलब देख के लग रहा था कि छलांग मार कर आ जाएगा मेरे पास ऐसे। और देखिए इधर से जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है ना देखेगा तो आ जाएगा मेरे पास, तो फिर हम सही नहीं समझने जाने के लिए बहुत देर बैठे, वो जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। यही शनि महाराज है हम लोग का, जहाँ हम लोग को जल ढारना, हम जल ढारते हैं, यहीं पे जाना था हमको, किसी तरह आके कुछ कर लिया तो फिर डर लग रहा था। इसके बाद अब आ गए हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और यहाँ बना रहे हैं नूडल्स यानी कि चाउमीन। हम तो इसी तरह बनाते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को पूरा वेजिटेबल वाला ही खाना पसंद होता है, हल्का फुल्का वेजिटेबल वाला नहीं खाते हैं। तो आपके पास जितना भी वेजिटेबल है, ऐसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो जितना भी वेजिटेबल है उन सबको कट कर लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, और फिर उन उसमें मतलब नमक हल्का सा ऐड कीजिएगा, और फॉर्चून तेल से इसको बनाइएगा, सरसों का तेल से नहीं, उसमें टेस्ट लगता है। आपके पास सौंस है तो सौंस भी डाल दीजिएगा, और लेग सौंस है तो वो भी डलाता है, पर लेग सौंस हम यहाँ नहीं डाले हैं। तो सब्जी फ्राई की कर करके पूरा मतलब जैसे कि वो ही हो जाए, हाथ से दब जाए, उस टाइप से कर देना है। और अपना जो चाउमीन है उसको उबाल के और उसको भी उसी तरह कर देना है जैसे हाथ से तप जाए, क्योंकि चाउमीन कढ़ाई में जाने के बाद और उबलता नहीं है, वो उसी तरह फ्राई हो जाता है, इसीलिए चाउमीन को पहले देख लेना है कि हाथ से तप रहा है कि नहीं तप रहा है, इसके बाद उसमें हम लोग डालेंगे। और एक प्लेट जो होता है उसमें छन्नी जो होता है, प्लेट वाला छन्नी उसमें डाल के, और फिर ठंडा पानी उसमें डाल देने से ये होता है ना कि चाउमीन जो है कड़ा हो जाता है ठंडा पानी डालने से, और नहीं तो उसी तरह छोड़ देने के बाद गर्मा गर्म वो और वो मतलब बॉयल होते जाता है, सीचते जाता है, जिस वजह से वो और गीला हो जाता है। तो हम लोग को जैसे ही छन्नी वाला प्लेट में डाल देंगे तो उसमें ना ठंडा पानी डाल देंगे तो जिस वजह से कड़ा हो जाएगा, ठंडा पानी डाल देने से उसका सारा गर्म जो होता है वो निकल जाएगा, इसी वजह से ठंडा पानी डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्राई किए उसको भी फ्राई करेंगे, उसमें सौंस डाल दिए हैं इसीलिए हल्का रेड दिख रहा था। मेरे पास जितना सब्जी था, हरी मिर्च और मटर, गाजर, टमाटर, जितना भी था मतलब बीन और जो भी था सारा चीज़ डाल दिए थे। मेरे पास बहुत सारा सब्जी था, गोभी था, बंद गोभी था, सारा चीज़ डाल दिए थे, वो सब्जी बहुत हो गया था और नूडल्स कम हो गया था। खैर कोई नहीं, उतना भी कम नहीं हुआ था, ठीक ही है, इसी तरह खाना हम लोग पसंद करते हैं। इसके बाद हम थक गए चला चला के, तो फिर मेरे हस्बैंड जी आए, वो फिर चलाने लगे वो बोल रहे हैं छोड़ो तुमसे नहीं होगा, बहुत देर चलाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग जाके नाश्ता किए और यहाँ लेकर आए हैं शाक, जो
क्योंकि आज हमको साग बनाना है और ठंड के मौसम तो बराबर साग बनते रहता है। आप लोगों के यहाँ बनता है कि नहीं बताइएगा, एंड आप लोग अपना भी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना नूडल्स कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं या कुछ और। ऐसे हम ब्लैक सॉस नहीं डाले हैं, जो कि डालना चाहिए था, अच्छा भी लगता, पर वेजिटेबल ज़्यादा होने के कारण नहीं डाले थे, फिर कोई नहीं। अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं लंच में बना रहे हैं यहाँ बैंगन की भाजी, जो कि और एक थे हम बनाए थे, उसमें शायद रेसिपी शेयर किए थे कि नहीं याद नहीं है, तो आज हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो बैंगन की भाजी बनाने के लिए हम बैंगन को पहले कट कर लिए हैं, इसके बाद उसको वॉश कर लिए हैं, इसमें फिर सरसों का तेल में इसको बैंगन को हम लोग डाल दिए हैं, और इसमें सिर्फ हल्दी नमक और मिर्च पाउडर, आपका मन किया लहसुन आदि का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट हम यहाँ नहीं डाले हैं लहसुन। तो ये डाल के इसके बाद इसको ढक देना है। और पता है क्या कि आज हमसे ये ठीक से नहीं हुआ वीडियो, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पर हम कोशिश तो किए हैं, पर फट रहा था, जैसे फोटो ना फट रहा है उस टाइप से हो रहा था, देख सकते हैं कि फट रहा है। और मोबाइल पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था कि हिल रहा था, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो हिल रहा था, सही से फोटो भी नहीं आया है, खैर कोई नहीं। तो आज काफ़ी लेट भी हो गया था, ब्रेकफास्ट सुबह हो गया था इसीलिए, और आज लेट से थोड़ा सो के भी उठे थे, क्योंकि विंटर का छुट्टी चल रहा है बुआ लोग का, तो हम लोग कुछ देर सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर तो काम करना ही पड़ता है, और मतलब उतना हड़बड़ी नहीं रहता है, सुबह स्कूल जाने का रहता है वगैरह वगैरह, इसीलिए। और अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट तो बना रहे हैं, और जो जो मतलब जैसे कि मिक्सर वगैरह आया था तो डब्बा में नहीं भरे थे, तो वो सभी काम कर रहे थे कि डब्बा में भी भरना था, सारा चीज़ डब्बा में भर दिए। और पता है क्या कि ये इस तरह का डब्बा में यदि भरते हैं ना, तो बच्चे लोग का नज़र पड़ता है, तो मतलब उन लोग को जब किचन में आएगा तब चाहिए, इसीलिए हम डब्बा में नहीं भरे हैं, नहीं तो हम जब भरते हैं तभी भर देते हैं, हम इस तरह नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, तो अभी भर दिए। और यहाँ पे मेरा बैंगन की भाजी बन गया है, इसके बाद बनाएंगे हम साग भी बन ही गया था, उसको सिर्फ छौंका लगाना है यानी फ्राई करना है। तो और आज सुबह सुबह जब हम गए ना ऊपर, तो हम देख रहे थे ना कि वो जो फूल होता है ना, जो फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट में था फूल, तो वो वाला तोड़ने के लिए हम सोच रहे थे, पर हम मेरा हाथ ही नहीं गया, तो फिर हम सोचे इनको बोलेंगे के लिए, वो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब एक एक डंडी को तोड़ना पड़ता है डंठल को, जिस वजह से हम नहीं तोड़े, तो हम बोले बाद में तोड़वाएंगे, तो ये आ जाने के बाद ये बोल रहा है आज छोड़ दो कल तोड़ेंगे, इसीलिए छूट गया वो बोला, नहीं तो तोड़वा ही लेते। और उसका सब्जी हमको बहुत टेस्टी लगता है, और ये सब खाना चाहिए, क्योंकि एक ही बार सीजन आता है, और फिर सीजन चल जाता है तो फिर मिलता नहीं है, इसीलिए सारा चीज़ को हम चाहते हैं खा ले, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा और वही सब बात होता है, और नहीं तो फिर कहाँ मिलता है ये सब चीज़ खाने के लिए। ऐसे हम एक दिन बनाएंगे ज़रूर ही, तोड़वाएंगे। और अभी जो है ना, एक प्लास्टिक मिला था हमको, जो बहुत ये सब हम बच्चे थे ना, तो बहुत ऐसे करते थे, मतलब कुछ चीज़ में ये आ जाता था तो हम ले लेके उसको फुटाते रहते थे, बैठ बैठ के फोड़ते रहते थे, उसका पॉपेट वाला जो प्लास्टिक होता है उसी टाइप से था। और यहाँ पे मेरा बन गया बैंगन की भाजी, और फिर यहाँ पे अब बनेगा साग, जो कि हम मूली का साग जो हम दिखाए थे वही वाला कट कर लिए थे, और बच्चे लोग आके और नीचे घुस घुस के खेल रहे थे, इसीलिए हम उन लोग को बोल रहे थे जाओ उधर जाके खेलो, इधर मत खेलो। तो ये मेरा फ्राई हो रहा है मूली का साग, आप लोग खाते हैं कि नहीं बताइएगा, ठंड के समय में ये सब बराबर हम लोग के यहाँ आता है, साग अब डेली बनेगा, पर हम इस बार सोच रहे हैं कि कम कर देंगे, क्योंकि साग बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और जो कि वो अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ बन गया है। और अब हम ना नॉर्मल सा आलू का भाजी बना देंगे,
क्योंकि साग हो गया, बैंगन की भाजी हो गया और आलू का भाजी हो जाएगा तो फिर सब खा लेंगे, और होगा तो परवल भी डाल देंगे, देखते हैं क्या करते हैं जैसे होगा। और साग का रेसिपी तो ऐसे हम क्या सब्जी साग बनाने जानते हैं, तो मुझे साग को पहले हम ना कुकर में सिझा लिए थे और दो सीटी लगा दिए थे, इसके बाद जब वो हो गया ना तो हम लहसुन और मिर्च से फ्राई कर दिए साग को, तो साग बन गया। अब यहाँ परवल छिल रहा है, परवल का रेसिपी भी आप लोग तो जानते हैं कैसे सभी का घर में बनता है, ऐसे नहीं है कि किसी का भी घर में नहीं बनता होगा, खैर छोड़िए नहीं बताते हैं। और आज काम ही करते करते बहुत समय हो गया था और मतलब पढ़ने का समय भी नहीं मिल रहा था, और इसीलिए हम आज वीडियो भी एडिट नहीं किए अच्छी अच्छा से, क्योंकि जैसे तैसे एडिट किए ना इस वजह से नहीं आ रहा है, शायद फट रहा है फ़ोटो और पता नहीं कैमरा सही जगह में था या फिर कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर होगा इस वजह से एडिट सही से नहीं हुआ। और अभी हम आंगन में बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं, इसीलिए शायद कौवा वगैरह का आवाज़ आ सकता है, चिड़िया सब बहुत ज़्यादा चीची चीची कर रही है, फिर कोई नहीं, हम बोले ना बच्चे लोग आते हैं, बस डब्बा जहाँ देखा तो फिर डब्बे लेके उन लोगों को चाहिए तो फिर दे देते हैं, इसलिए हम डब्बा में नहीं भरे थे, ऐसे जब ज़रूरत पड़ता है तब तो दे ही देते हैं, अब हम छिपा रहे हैं उसको दे ही देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं। और फिर ना घर के कामों में ही उछले रहते हैं, और आज शाम को ना हमको थोड़ा सा भी नहीं समय मिला था पढ़ाई करने का, थोड़ा सा जो भी समय मिला था सुबह मिला था और दोपहर में, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, विंटर का छुट्टी जो बच्चे लोग को मिला है ना घर में ही रहता है इसीलिए, और स्कूलों की छुट्टी के कारण ही होता है कि माँ ये बना देना, तो फिर तो लगता है कि हाँ बच्चे तो घर में रहते नहीं हैं, उन लोगों को मिलता नहीं है खाने के लिए, तो उससे अच्छा होता है कि बना ही दो, तो इसीलिए हम बना लेते हैं। और ज़्यादातर मेरा सब बन गया है, चावल दाल और एक साग, बैंगन की भाजी और आलू का भाजी हो जाएगा तो फिर लंच हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बस इतना ही। और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया है, सारा चीज़ बन गया है, अब आ गए हम थर्ड स्टडी करने के लिए, थोड़ा देर पढ़ाई कर लेंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज पढ़ने का हमको थोड़ा सा भी समय नहीं मिला था, बस दो तीन घंटे यहीं पर मिला था खाना वाना बनाने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है, इसके बाद फिर आज मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए अभी आंगन में धूपा के पास बैठे हैं, बहुत सोवर दे रहे हैं, खैर कोई नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक, उम्मीद करते हैं। सर बहुत दर्द कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा तेल लगा लिए थे सर में, शायद ठीक हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि नए वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो ये लगेगा कि हमको भी देखने वाला कोई है, ये नहीं कि झूठ मूठ का हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं बट कोई देखने नहीं करता है, ख़राब लगता है। अभी तक ज़्यादा व्यू भी कोई एक भी वीडियो में नहीं गया है इस वजह से, तो कोई नहीं हम अपलोड कर रहे हैं और समय भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपलोड करने का, यही सब कुछ कुछ बात था। धूपा बहुत तेज था और हम पीछे से चादर घेर दिए थे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।